नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 और 4 जनवरी के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, उनके साथ बात करते हैं यश में। घरों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 3 जनवरी की बात करें तो दोस्तों दिन सोमवार का दिन होगा, भगवान भोलेनाथ का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और पुरुषाढ़ा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो व्याघात नाम का शुभ योग और हर्षण नाम का भी शुभ योग रहने वाले हैं। राहुकाल का समय सुबह के 8:32 से लेकर सुबह के 9:52 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहुकाल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन धनु राशि के उपरांत मकर राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, अगले दिन 4 जनवरी की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा, महाबली हनुमान जी का दिन होगा, द्वितीय तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इस दिन रहने वाले हैं और साथ ही वज्र नाम का भी शुभ योग रहेगा। दोस्तों, इन दिन राहु काल के समय शाम के 3:11 से लेकर शाम के 4:30 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन मकर राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दो दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि दूसरे भाव में बुध और शुक्र की स्थिति जहां परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न करवा सकती है, जिसमें आपके रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा और परिवार में उल्लास का वातावरण रहेगा। नेगेटिव की अगर बात करें तो दोस्तों, यह समय आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन में अच्छे बुरे अनुभवों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात को आप ध्यान में रखना चाहते हैं, वह बात यह है कि आपके सामने इस दिन अवसर आने वाले हैं, लेकिन यदि आप में समय रहते उन्हें अपने हाथों में पकड़ लिया तो आप फायदे में रहेंगे, अन्यथा आप हाथों को मलते ही रह जाएंगे। दोस्तों, ये दिन आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बना सकती है जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको अपने खिलाफ लग सकती है दोस्तों, लेकिन आपको यह समय धैर्य के साथ काम लेना होगा। परिस्थितियों में अपनी नज़र रखें और उन पर गंभीरता से विचार करें। दोस्तों, आपको विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज के दिन आपको आध्यात्मिक प्रगति करने के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वह दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, दफ्तर में काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। दोस्तों, यश में यदि आप अच्छा पेशे बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप उनकी मदद करेंगे जिन्हें पैसों की सहायता होगी। अच्छे कर्म आपके लिए सौभाग्य लाएंगे। वह दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो प्रेमी जन को आपके द्वारा की गई सहायता निस्वार्थ होगी, लेकिन प्रेमी जन आपके एहसास को मानेंगे और आपके इस व्यवहार की प्रशंसा भी करेंगे, इस वजह से वे आपके मुराद भी बन जाएंगे। दोस्तों, यश में आप संबंधों में शांति के साथ बात करने का दिन रहेगा। अविवाहितों के लिए कोई खास व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है। वह दोस्तों, हेल्थ को लेकर बात करें तो यश में आपको एसिडिटी या फिर गैस से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। दोस्तों, यश में शरीर की गंदगी को साफ करने वाली आहार प्रणाली का पालना करने के लिए और चर्बी जलाने के लिए एक बढ़िया समय है। दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। दोस्तों, यश में वन विभाग वालों को उन्नति के अवसर मिल सकता है, सामाजिक आयोजन में भी भाग ले सकते हैं, उत्साह बढ़ा चढ़ा रह सकता है। दोस्तों, गणेश जी कहते हैं
कि यश में धार्मिक विषयों और प्रणालिकाओं से अधिक अभिभूत होंगे। आप मंदिर में या फिर ईश्वर के सान्निध्य में कुछ समय बिताएंगे जो आपको मानसिक शांति देगी, जबकि आपको अपने कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। वही दोस्तों, आज के दिन अगर आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो दोस्तों आप चीज़ों से तार्किक रूप से निपटाएंगे। एक अच्छी खबर का इंतज़ार भी है। अगर अपने किसी सॉफ्टवेयर की डिजाइन तैयार की है तो दोस्तों यश में आप आत्मनिर्भर रहेंगे। हालांकि आप दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार होंगे। गणेश जी कहते हैं कि आप मजबूत विश्लेषणात्मक क्षमता के कारण आप ये बहुत अच्छे तरह से भी कर पाएंगे। दोस्तों यश में अगर आपकी रोमांस प्रेम संबंध की बात करें तो निजी मोर्चे पर परिवार और आपके प्यार के साथ समय बिताने के लिए एक शानदार समय होगा। अपने पीरी को प्रकृति से घिरे स्थान पर ले जाने के लिए यह एक बहुत अच्छा समय होगा। दोस्तों आप उन जगहों पर घूम सकते हैं जहां आप नवीनतम अंतर्दृष्टि एकत्र करने और अपने पीरी के साथ निरंतर चर्चा करते रहेंगे। वह दोस्तों यश में अगर आपकी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यश में नए विचारों के साथ काम कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें अमल में लाना बहुत जरूरी होगी। आप यश में को दिल से एंजॉय करेंगे। दोस्तों यश में आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलाकर आपको आराम के लिए काफ़ी वक्त देंगे। दोस्तों जो लोग शेयर बाज़ार में पैसे लगाते हैं, सट्टेबाजी में पैसे लगाते हैं, आज उनका पैसा डूब सकता है। दोस्तों वक्त रहते आप सोच लें, दोस्तों आप सचेत हो जाएं तो आपके लिए यश में बेहतर रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी ला सकता है, सुकून और समृद्धि भी ला सकता है। दोस्तों आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करेंगे। दोस्तों आज भी आप ऐसा कुछ करने की सोचेंगे लेकिन किसी शख्स के बाहर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट भी हो सकता है। आपका जीवन साथी अपने दोस्तों में कुछ ज़्यादा वक्त बिता सकता है जिसके चलते आपके उदास होने की भी संभावना है। दोस्तों यश में आपके पास पर्याप्त वक्त होने की संभावना है, लेकिन इन कीमती पलों का ख्याली पुलाव पकाने में न गवाएं। दोस्तों कुछ पुख्ता करना आने वाले सप्ताह की बेहतरी में मददगार साबित होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यश में माथे पर केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाएं, दूध में केसर मिलाकर पिए, माँ का आशीर्वाद सदैव लें और चावल दूध का दान करें। दूसरों के साथ यश में प्रेम पूर्ण व्यवहार करें और दोस्तों यश में आप पुत्र सुख के लिए भूमि में सौंफ दबाएं। दोस्तों ये सब आपके लिए यश में भाग्यशाली रहने वाले हैं। तो दोस्तों हो सके इन उपायों को जरूर करें, ये आपके भविष्य के लिए और आपके आने वाले कल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भाग्यशाली होंगे। इनसे आप अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।